नमस्कार। आज जो हम देखने वाले हैं वो एक्चुअली पोजीशन कैसे इवेल्युएट करते हैं उसके संदर्भ में है। तो जनरली हम लोग बहुत बार देखा है हमने कि पोजीशंस जब भी आती हैं, खासकर जब मिडल गेम का पोजीशन आता है और आपका एक जो ओपनिंग का जो आपका पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद आपको कैसे पोजिशन देख के आप इवेल्युएट कर सकते हो, या एक नॉर्मल चेस प्लेयर को किन इम्पोर्टेंट कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, 7 या 8 पॉइंट हमने आज देखने वाले हैं। तो उसके लिए हर एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीजें एक अच्छा चेस प्लेयर नोटिस करता है जब भी वो कोई पोजीशन देखता है। आपने हमेशा गौर किया होगा कि जब भी कोई कोई टूर्नामेंट शुरू है और सपोज कोई लाइव गेम शुरू है, तो अगर दो तीन दोस्त देख रहे हैं और उनमें से कोई ऐसा प्लेयर है जो हायर प्लेयर है या उसका अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, तो वो ऐसे पॉइंट्स भी नोट कर लेता है जो कोई नॉर्मल प्लेयर या इंटरमीडिएट या बिगिनर प्लेयर नहीं कर पाता है। तो डेफिनेटली हम उन पॉइंट्स पे देखेंगे। तो उसके लिए बीच में एक इंटरनेट पे एक इमेज देखा था मैंने जो बहुत ही सही लगी थी, और उसके जो पॉइंट्स हैं उनको हम समझेंगे। राइट, सो ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं, और एक दो पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड करने वाला हूँ, तो हम इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। पहला पॉइंट जो है, नॉर्मली जब भी आप कोई पोजिशन देखते हो तो आप देखिए कि मटेरियल ऑन द बोर्ड क्या है। जैसे कि फर्स्ट इसमें देखा हुआ है कि व्हाइट के पास क्या मटेरियल है, ब्लैक के पास क्या है, कुछ उसमें चेंजेस तो नहीं है, जैसे कि कोई पॉन डाउन है या एक्सचेंज डाउन है, पीस डाउन है। तो ऑब्वियसली पहला आदमी कोई भी यही नोटिस करता है, राइट। और ये बहुत आसान है, ये कोई भी नॉर्मल इंटरमीडिएट प्लेयर भी कर लेता है आराम से। सेकंड जो बात होती है, दैट इज कि अगर आप मटेरियल में कम हो या ज्यादा हो तो उससे भी इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है सेफ्टी ऑफ द किंग, मतलब पोजिशन ऑफ द किंग, कि किसका किंग ज्यादा एक्सपोज है मिडल गेम में, या किसके किंग पर ज्यादा प्रॉब्लम है, या उसमें से किसका किंग जो है वो ज्यादा सेफ है। तो इन सब बातों पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है पोजीशन का, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि आप मटेरियल वाइज तो अप होते हो लेकिन पोजीशन आपकी जो किंग की होती है वो उतनी सही नहीं होती है, तो डेफिनेटली आपके ओपोनेंट के पास उसके लिए कॉम्पेंसेशन होता है या अटैकिंग पॉसिबिलिटीज होती है, राइट। थर्ड होता है एक्टिविटी ऑफ द पीसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। वो लोग हमेशा, या मैं बोलूंगा कि ज्यादातर लोग हमेशा सिर्फ मटेरियल देख लेते हैं कि चलो पीसेस इक्वल है, या फिर कैसे तो करके उनके पास मटेरियल का मेन जोन रहता है, राइट, देखने के लिए। लेकिन एक्टिविटी ऑफ द पीसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर हम देखें, सपोज पोजीशन में हम लोग देखते हैं कि कोई नॉर्मल पोजीशन में लगा देता हूँ आगे, जैसे कि आप देखिए कि e4 c5 Nf3 d6 e4। अब इन पोजीशंस में Nd4 Nf6 Nc3, इन पोजीशंस में हम देखेंगे कि आप लेट्स से ड्रैगन का हम एक पोजीशन लेते हैं नॉर्मल, और F3 कैसल। अब यहाँ पे तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि दोनों की एक्टिविटी सही है, लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए कि आपके जो पीसेज हैं, सपोज आपका क्वीन कहीं A1 पे पड़ा हुआ है या B1 पे पड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू मे बी इस क्वीन A5 उसके वैल्यू पीस से ज्यादा होगी, राइट। या फिर जैसे कि आप देखिए कि A8 का रुक इतना जल्दी नहीं आ रहा है गेम में, लेकिन व्हाइट का H4 H5 आने के बाद ये रुक बहुत इजीली अटैक में जा सकता है। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि एक्टिविटी जो है पीसेस की वो मायने रखती है, ना कि उनका सिर्फ रहना बोर्ड पे, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, मुझे लगता है ये हमको हमेशा नोटिस करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम आए तो एक्टिविटी ऑफ पीसेस, उस एक्चुअली उसको बहुत डिटेल में देखना चाहिए एक्टिविटी ऑफ पीसेस को, क्योंकि वो इतना शॉर्ट गोल नहीं रहता उसमें। उसके बाद होता है कंट्रोल ऑफ द डायगनल्स एंड सेंटर। कंट्रोल ऑफ द डायगनल्स या फाइल्स या रैंक, अगर मैं बोलूँ इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं, ये लाइन उतना कंप्लीट नहीं है कंट्रोल ऑफ द डायगनल्स। एक्चुअली उसके साथ आप फाइल और रैंक भी जोड़ सकते हो या स्क्वायर भी जोड़ सकते हो, राइट। तो ये तीन चार चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जहां पे भी आपको, जैसे मैंने बताया आपको कि ड्रैगन का पोजिशन है, तो इसी पोजिशन में हम देखते हैं कि जो बिशप है G7 का, वो डेफिनेटली बहुत पावरफुल है। तो इस आप देखेंगे ज्यादातर ड्रैगन के पोजिशंस में इन्हीं इन्हीं डायगनल्स में प्रॉब्लम आता है, राइट। और वाइट कोशिश कर सकता है कि यहाँ पे आके एक्सचेंज करें, ताकि उसके बाद जो है पोजीशन में मुझे अटैकिंग पॉसिबिलिटीज हो। तो डायगनल में, या जैसे मैंने बोला कि ड्रैगन में नॉर्मली H5 H4 खेलते हैं, क्यों? बिकॉज वाइट वॉन्टेड टू ओपन दिस फाइल। तो फाइल ओपन करना, डायगनल ओपन करना, या रैंक को कवर अप करना, या कोई स्क्वायर पकड़ लेना नाइट के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप उन पोजीशंस को देख रहे हैं। तो
तो अगर हम बात करें तो एक्टिविटी के बाद डेफिनेटली ये हमको देखना चाहिए कि ये सब बातें हमारे पास है कि नहीं, डायगनल, फाइल, रैंक और स्क्वायर। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ द सेंटर। ये एक्चुअली हमारा ओपनिंग का मेन पर्पज होता है कि आपको ओपनिंग के 8-10 मूव या 15 मूव के अंदर जो आपका सेंटर है उस पर आपका कंप्लीट कंट्रोल ना भी हो तो कम से कम आप ऐसा ना करो कि ओपोनेंट को आप उसको दे दो पूरा, ये अच्छी बात नहीं, राइट। इवन समटाइम्स इफ यू आर गेटिंग एनी मटेरियल, लाइक आप पॉन मिल रही है, आपको कुछ मिल रहा है, तो भी आपको सेंटर का जो कंट्रोल है वो हमेशा देखना चाहिए, राइट। उसके बाद होती है स्पेस। स्पेस यानी हमारा स्पेस में जाने वाला नहीं, ऑब्वियसली हम लोग बोर्ड के स्पेस की बात करें तो बोर्ड की स्पेस की जो बात है, जैसे मैं आपको इसी पोजिशन में दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है इसमें। अब इस पोजिशन में देखिए कि वाइट के पास डेफिनेटली इधर ज्यादा स्पेस रहेगा, मतलब किंग साइड में, राइट, क्योंकि व्हाइट का मेन एम रहेगा G4। लेट्स से हम लोग कुछ मूव दे देते हैं 22 के बाद, नाइट C6, बिशप टू C4, Bd7, लॉन्ग कैसल एंड मे बी रुक C8 इज द मेन लाइन, लेकिन इधर और भी लाइन है इसमें। लेकिन व्हाइट जब G4 और H4 खेलना शुरू करेगा तो आप देखिए कि किंग साइड में उसके पास डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्पेस है, और ब्लैक को क्वीन साइड में ज्यादा स्पेस है क्योंकि वो फ्रीली खेल सकता है, उसका किंग जो है वो दूसरे साइड में है, तो इस साइड को आराम से रुक C8, क्वीन A5, B5 ये सब खेल सकता है। तो जिधर आपके पास स्पेस होंगी उधर आप आराम से खेल सकते हो, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि बोर्ड जो है वो जनरली बोर्ड जो होता है वो फोर्थ रैंक से कट ऑफ हो जाता है, मतलब ये साइड हम मानते हैं कि व्हाइट के लिए और वो ब्लैक के लिए। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये साइड ब्लैक खेल सकता है आराम से और इस साइड उसको डिफेंड करना पड़ेगा, राइट। तो स्पेस एडवांटेज जो है वो हमको समझना चाहिए कि इन पोजीशंस को कैसे खेल सकते हैं, तो ये सब बातें हमको नोटिस करना चाहिए। स्पेस एडवांटेज के बाद हम आ जाते हैं पॉन स्ट्रक्चर पे। ये एक एक्चुअली लॉन्ग टर्म गोल है, इसको आप बहुत शॉर्टली नहीं आप नोटिस कर सकते हो, क्योंकि कुछ कंडीशंस में पॉन स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब पॉन डबल हो जाती है या आइसोलेट हो जाती है या बहुत सारे आइलैंड हो जाते हैं पॉन्स के, मतलब सेपरेट हो जाते हैं, जैसे ए पॉन अलग है, फिर बी नहीं आपके पास सी है, फिर डी नहीं आपके पास ई है, तो ये सब भी जो होते हैं वो दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं आपकी पोजीशन के लिए लॉन्ग टर्म पे, राइट। मतलब जब भी हम पोजिशनल चेस की बात करते हैं तो पॉन स्ट्रक्चर इज अ पिलर, राइट। जैसे आप देखिए कि कोई भी आर्टिस्ट होता है ना, जो कुछ अगर किसी का इमेज ड्रॉ कर रहा होता है किसी बंदे का, तो वो क्या करता है, पहले आउटलाइन बना देता है, राइट। तो वो जो आउटलाइन है ना चेसबोर्ड पे, डेफिनेटली वो पॉन स्ट्रक्चर है। आप किसी भी एक्सपीरियंस चेस प्लेयर को अगर कोई पोजीशन दिखाएंगे, अगर वो किसी पर्टिकुलर ओपनिंग से आई हुई है, तो वो सिर्फ पॉन स्ट्रक्चर देख के, आप पीसेस भले हटा लीजिए, पॉन स्ट्रक्चर देख के भी आपको अंदाजा लगा के बता सकता है, डेफिनेटली 95% टाइम वो राइट सही होगा कि कौन सा ओपनिंग हुआ था। तो पॉन स्ट्रक्चर जो है वो आउटलाइन है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आर्टिस्ट क्या करता है। तो ये 7 पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके अलावा एक पॉइंट इसमें आप और ऐड कर सकते हो, विच इज जो कि मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने उस इमेज को थोड़ा इम्प्रोवाइज किया था, जहां जहां पे जैसे उसने सिर्फ फाइल की रैंक की बात, डायगनल की बात की थी, हमने उसमें रैंक भी जोड़ा, हमने उसमें फाइल भी जोड़ा, हमने उसमें स्क्वायर भी जोड़ा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है विच इज मुझे लगता है कि वो भी बहुत सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है उसमें, दैट इज कि आपको अनसपोर्टेड पीसेस देखना चाहिए बोर्ड पे, राइट। अनसपोर्टेड पीसेस ऑफ बोथ साइड्स, कि अनसपोर्टेड पीसेस अगर होंगे तो डेफिनेटली वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके पोजीशन में। तो आप ज्यादातर कोशिश करिए कि आपके बोर्ड पे आपके जो पीसेस है वो या तो प्रोटेक्टेड रहे या तो फिर बहुत ज्यादा अनसपोर्टेड ना हो, मतलब एक या दो पीस अगर हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आपको उसमें डेफिनेटली कोई रिवर्स जो है कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो ये सब पॉइंट मुझे लगा कि आपको डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहिए, और इनमें जो है जो कि हमने सभी पॉइंट देखा है, ये मटेरियल ऑन द बोर्ड, पोजीशन ऑफ द किंग मतलब सेफ्टी ऑफ द किंग डेफिनेटली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर प्लेयर के लिए, एक्टिविटी ऑफ द पीसेस, कंट्रोल ऑफ द डायगनल्स, फाइल्स, रैंक एंड स्क्वायर, एंड देन कंट्रोल ऑफ द सेंटर, सेंटर कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्पेस, स्पेस एडवांटेज बहुत जरूरी होता है, कभी कभी आपको गेम किधर आपको खेलना है उसके हिसाब से भी आप स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हो। आपका कॉन्स्ट्रक्चर एक लॉन्ग टर्म गोल होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्ट्रक्चर, हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी आप मटेरियल डाउन भी होंगे तो भी चल चल जाता है, लेकिन आपका कॉन्स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो आपकी पोजीशन बहुत मुश्किल में आ सकती है। और लास्ट जो पॉइंट मैंने बताया आपको कि अनसपोर्टेड मटेरियल जो है बोर्ड पे ऑफ बोथ साइड,
वो देखना जरूर, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपोनेंट का ही देखेंगे कि उसके अनसपोर्टेड क्या क्या पड़े हुए हैं, आपको खुद का भी देखना है कि अनसपोर्टेड पीसेस कहाँ रहने। तो ये सब बातें मुझे लगता है बहुत जरूरी है टू इवेल्युएट अ पोजिशन कि क्या हो रहा है, और उसके बाद डेफिनेटली आप टैक्टिक्स पे ध्यान देते ही हो, बेसिक टैक्टिक्स जो होती है। तो इन सब बातों के साथ वो सब चीजें जुड़ी हुई है, और विद सम प्रॉपर कैलकुलेशन आप अपने पोजिशन को बेहतर बना सकते हो। और मुझे लगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमेशा हम लोग पोजिशन के साथ ही जाते हैं, गेम को एनालिसिस करते हैं और सब, लेकिन ये मुझे लगा कि बहुत बहुत जरूरी था हर एक चेस प्लेयर को। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका कहीं पे आपके घर में या जहाँ भी आप चेस खेलते हो, तो ये इमेज आप डेफिनेटली प्रिंट आउट करके आप लगा सकते हो सामने। आप यू कैन ऐड जो मैंने बोला था एक और पॉइंट की अनसपोर्टेड पीसेस, तो ये बहुत ही सही है, बहुत यूजफुल है, और डेफिनेटली सब लोगों को ये यूज करना चाहिए। राइट, थैंक यू।